What's up guys, this is Raza and you are watching my channel Anjana Musafir. Welcome to another vlog and I'm in a place called Hanging Garden. It's written HG, full form is Hanging Garden, and I'm just exploring this place. Like, I don't know what is hanging here, but let's see. And right now I'm near the entry gate and now I am going to explore the whole park. Let's see how does it goes like. It's been 2 minutes or 5 minutes when I am here and I can't see anything which is hanging other than these bushes. Now I understand that why this garden is known as Hanging Garden. It's a garden above my head. Well, I still confused ki which garden, which hanging garden is this. Like वो लटका वाला हैंगिंग और हैंगिंग विथ फ्रेंड्स वाला हैंगिंग, तो सवाल का जवाब जल्दी हमको मिल जाना चाहिए. एक्सपीरियंस कन्फर्म्स दैट फ्रेंड्स हु रेगुलरली मीट एंड वॉक इन द गार्डन हैव रिमेंड हेल्दी एंड फिट फॉर द डे. सो नाउ इट हैज़ बीन कन्फर्म दैट दिस इज हैंगिंग विथ फ्रेंड्स वाला हैंगिंग गार्डन. वेल दिस गार्डन, जहाँ तक हम देख रहे हैं फैमिलीज आ रही हैं, फ्रेंड्स के साथ लोग आ रहे हैं और कुछ कैमरा के साथ भी लोग आ रहे हैं, फ़ोटोशूट भी कर रहे हैं. मतलब एक तरह से फ्री गार्डन है, कोई चार्ज नहीं लगता है यहाँ पे और काफ़ी रिलैक्सेशन वाला माहौल है यहाँ पे. और मेरे पीछे, मेरे सामने सी है, समंदर है, और मेरे पीछे पारसी कॉलोनी है जो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग पारसियों की होती है, वो यहाँ से देखने को मिल रही है. बाकी बहुत ही मतलब साफ सुथरा और अच्छा गार्डन है. इस गार्डन में देखने के लिए कुछ खास है नहीं, साफ़ सफाई है और आराम से चिल कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं. बाकी और कुछ ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही है सिवाय एक बड़ी सी क्लॉक के जो मेन गेट पर है. एंड ऑल्सो दिस एरिया इज़ अंडर सर्वेलेंस, यानी कि आप कैमरे की निगरानी में है. जगह जगह CCTV कैमराज हैं, अच्छी बात भी है. और एक उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हम इस जो फेंसिंग होती है, फेंसिंग के अंदर आ सकते हैं. काफ़ी सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर फेंसिंग के अंदर अलाउ नहीं होता है, और मुंबई जैसे स्ट्रिक्ट सिटी में बहुत सारे ऐसे पार्क है जहाँ पर हम फेंसिंग के अंदर नहीं आ सकते हैं. लिखा रहता है कि डू नॉट वॉक ऑन ग्रास और डो नॉट प्लक फ्लावर. फूलों को वैसे भी तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वेल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रिल. इस ग्रिल के आगे यहाँ पर हमें नहीं आने देते हैं. काफ़ी सारे पार्क में स्ट्रिक्ट रहती है जगह, अलाउ नहीं रहता है, और अगर आप किसी तरह घुस आएंगे तो गार्ड सीटी मारते हुए कहीं से दाखिल हो जाएगा और आपको भगा देगा. यहाँ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी जगह एक्सेसिबल है, यानी हर जगह हम जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और पार्क में जितने काम हो सकते हैं सब कर सकते हैं. मेरे ख्याल से
यहाँ कैमरे के भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि कई कई सारे लोग कैमरा भी यूज़ कर रहे हैं। वेल, अभी टाइम हो रहा है 3:10 और थर्सडे का दिन है, 31 अक्टूबर 2019 आज की डेट है। वेल, अगर आज के मौसम की बात करें तो आज काफ़ी अच्छा मौसम है, आसमान में बादल हैं, और मुझे उम्मीद है कल की वीडियो आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो एक लाइक कर देना, अगर वीडियो नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो के एंड में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और थोड़ी देर इस पार्क में और बैठेंगे, अच्छा लग रहा है, मतलब मौसम अच्छा है, काफ़ी बादल है, धूप नहीं है। पिछले कई दिनों से मुंबई में बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो इसलिए कहीं बाहर निकलना नहीं हो रहा था। और मेरे घर से ये जगह काफ़ी दूर है, 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो यहाँ आने में हमें लग गया 2 घंटे। आई डोंट थिंक आई विल रिकमेंड दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ कुछ खास देखने के लिए है नहीं, बस कोई यहाँ सिक्योरिटी गार्ड टाइप की चीज़ नहीं है जो हर जगह आपको सीटी मार मार के रोकता है। हर चीज़ एक्सेसिबल है, हर जगह जा सकते हैं, किसी भी जगह, किसी फूल, यहाँ तो बच्चे फूल पत्ती तोड़ भी रहे हैं, उनको कुछ बोला नहीं जा रहा है। अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए जगह है, वो जगह यहाँ पे आकर रूल फॉलो ना करे, और अगर रूल फॉलो करना है तो बाकी सारे गार्डन में जाओ जहाँ पर गार्ड जो है वो सीटियाँ बजाते हैं, बजा बजा के आपके बजा लेते हैं। और बाकी जितने विजिटर्स हैं यहाँ पर सब आ रहे हैं, टहल रहे हैं ढीले ढीले होकर, क्या करें, कुछ यहाँ खास है भी नहीं देखने लायक। वैसे ज़रूरी भी है कि मुंबई जैसे भीड़ वाले इलाके में जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, वहाँ पर ऐसा खुला हुआ विदाउट रिस्ट्रिक्शन पार्क है। ये है मुंबई का सबसे फेमस फास्ट फूड भेल, BHEL, यानी कि भेल। And from this place I can see the Marine Drive. और आज की ताज़ा खबर में ये भी है कि 2050 तक मुंबई के बहुत से इलाके या पूरी करीब करीब मुंबई पानी के अंदर चली जाएगी अगले 50 साल में, 2050 तक, यानी कि वो सब जो इलाका दिख रहा है सब डूब जाएगा। ऐसा नहीं कि ये पहली बार है जब ये न्यूज़ आई कि मुंबई डूब जाएगी, 400 साल पहले भी किसी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि मौसम का फेरबदल होगा, समंदर का जो लेवल है वो बढ़ेगा और मुंबई डूब जाएगी। अब वो तो 2050 से पता चलेगा कि मुंबई सच में डूबने वाली है या सिर्फ ये एक अफवाह है।
और इस जगह आकर एक डाउट मेरा जो है वो क्लियर हो गया है। जो लड़के हैं आजकल की उनका ड्रेसिंग सेंस है मिनी स्कर्ट, माइक्रो जीन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पहनकर बाहर निकलते हैं। तो ये अचानक से एक दिन में शौक नहीं होता है, बचपन से ही शौक लगा दिया जाता है। यहाँ पार्क में हम देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों को छोटी छोटी क्या बोलते हैं जीन्स माइक्रो वाली पहनाकर, उनके माँ बाप लेकर आए हैं तो बड़े होके वो धोती थोड़ी ना पहनेंगे। बचपन से जो सीख हम देते हैं बच्चों को बड़े होकर वही चीज़ अडॉप्ट करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं जब वही चीज़ रिपीट करते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि दुनिया की हवा लग गई और बच्चे बिगड़ गए। वेल दिस इज़ इट, दिस इज़ दी ओवरऑल टूडेज व्लॉग, टूडेज वीडियो एंड आई थिंक आई एम क्लोजिंग डाउन दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, यू कैन कमेंट ऑल्सो, यू कैन शेयर दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अंजना मुसाफिर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। दिन के उजाले में कैब की लाइट कुछ ज़्यादा पता चल नहीं रही है, थोड़ा अंधेरे में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। पता चल रहा है ना।